बिहार में एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसकी एक और झलक हाल ही में देखने को मिली। बीते दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने 2025 में बिहार में एनडीए के लिए भाजपा के चेहरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी। इस पर जदयू विधायक गोपाल मंडल ने अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह पर विवादित टिप्पणी की है। गोपाल मंडल ने घटक दलों पर भी तीखा हमला बोला है। गोपाल मंडल ने कहा कि अश्विनी चौबे क्या हैं, बिहार में भाजपा का स्थान कहाँ है, पहचान कहाँ है, ऐसे ही चौबे जी बक बक करते रहते हैं, उनका दिमाग घसक गया है। गिरिराज सिंह भी बक बक करते हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो फूल बहुमत मिला। गोपाल मंडल ने कहा कि राज्यपाल बने या कुछ और बने, जहाँ भी जाएंगे वहीं बर्बाद कर देंगे। भाजपा नीतीश को साइड करके कहाँ जाएगी, अगर उनमें दम था तो अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ा, ये लोग बकबक करने के आदी हैं। गोपाल मंडल ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को पलटू दादा कहने वालों को समझना चाहिए कि नीतीश कुमार सटीक निर्णय लेते हैं, कभी राजद आ गया तो सड़ जाते हैं, कभी भाजपा आ गया तो सड़ जाते हैं, लेकिन 2025 में राजद नहीं सटेगा। गोपाल मंडल की इन टिप्पणियों ने एनडीए के भीतर तनाव और बढ़ा दिया है, जिससे गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। कहीं सरकार गिरने वाली नहीं है, एनडीए गठबंधन तय कर लिया है, नरेंद्र मोदी तय कर लिया, अगला मुख्यमंत्री भी ये जो ये चुनाव होगा 25 का, तो उसमें मुख्यमंत्री को आगे रख के नेता बना के चुनाव लड़ा जाएगा। गिरने का सवाल कहाँ है, क्या अगस्त में गिरेगा? ये लॉलीपॉप है, लोगों में भड़काव पैदा करता है। और लालू यादव जी महान लीडर है, बैकवर्डों का मसीहा है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा रोग से पीड़ित, थोड़ा आदास इधर उधर हो जाता है। लेकिन है, बार बार कहते हैं कि भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए जदयू से। अश्विनी चौबे सब क्या है, भाजपा के नेतृत्व में लड़ना चाहिए, भाजपा का स्थान है यहाँ कहाँ, बिहार में क्या है भाजपा की पहचान, ऐसे बकबक करता है। चौबे जी का आदत है बकबक करने का, चौबे जी बकबक कर रहे हैं कुछ। वो टीक वाला जो है क्या बोलता है, गिरिराज सिंह, वो भी बकबक करते रहते थे। कुछ ऐसे है एनडीए गठबंधन में बकबक। अच्छा, नीतीश कुमार के नेतृत्व, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा ना, फुल बहुमत आया ना एमपी के चुनाव में, पार्लियामेंट के चुनाव में, उसी तरह लड़ेगा तो फुल बहुमत आएगा। आरजेडी का बहुत कम वोट आएगा, मतलब बहुत कम सदस्य जीत के आएंगे, तो बकड़ अब उसका भी लूज हो गया, दिमाग तिमाग घसक गया चौबे जी का। राज्यपाल बनने की बात, राज्यपाल ताजपाल जहां का गवर्नर बनाएगा वो कहानी वहां का खत्म हो जाएगा। तो बनने की बात है तो बना दे, कौन पूछता है, नहीं बनावे तो भाजपा नीतीश कुमार को साइडलाइन करना चाह रही है। 25 तक में भाजपा नीतीश कुमार को साइडलाइन करना चाह, तो साइड कर दे, सभ्य चला जाएगा कि वोटरो चला जाएगा नीतीश कुमार के साथ, साइड करके कहां जाएगा? अगर दम था तो अकेले चुनाव क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी लड़ी, पता चल जाता कितना सीट आता है। ऐसे बोलता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बकबक करने का आदत है। नीतीश कुमार को कहता है पलटू दादा, पलटी मारता है, कोई पलटी, नीतीश कुमार जैसे हम बैठे हुए ऐसे बैठे रहते हैं, कभी आरजेडी आ गया सट जाओ, कभी आरजेडी हटा भाजपा आ गया सट जाओ, ये कहीं जाता है थोड़ो, अपने सटता है, बिहार में इनका वोट है ना, नीतीश जी के पास ही आना पड़ता है। हाँ, सब कोई कहीं जाता नहीं, कहता है पलटू मारता है, ये पलटमार है सो बात नहीं है, वो तो बैठे रहते हैं। आरजेडी खिसक गया भाजपा दौड़ के आता है, भाजपा के आरजेडी खिसक के आता है, कहीं जाता ही नहीं है। 25 में क्या फिर आरजेडी सटेगा क्या? नहीं, ये सब नहीं होगा, वो आरजेडी फरजेडी 25 में सटेगा और भूल बहुमत से चुनाव जीतेगी। भागलपुर सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर सदर एसडीओ धनंजय कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, नगर उपसभापति नीलम देवी, डीएसपी चंद्रभूषण कुमार, सीओ रवि कुमार, बीडीओ संजीव कुमार, थानाध्यक्ष प्रिय रंजन और कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार उपस्थित थे। बैठक में प्रशासनिक पदाधिकारी, वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच, सभी राजनीतिक संगठन और पंडा समाज के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिसमें श्रावणी मेला से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की गई और सभी समस्याओं का समाधान श्रावण माह के पहले करने का निर्देश दिया गया। वहीं सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने शहर और नमामि गंगे घाट पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाते हुए अतिक्रमण हटाया। उन्होंने मीडिया को बताया कि 15 जुलाई तक जर्जर सड़कों की मरम्मत पूरी कर ली जाएगी और अजगैबीनाथ मंदिर में श्रावण के सोमवार के दिन भीड़ नियंत्रण की तैयारी की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि गंगा घाट में बिहार सरकार की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सांसद प्रतिनिधि पवन केसान, राजद नगर अध्यक्ष अफरोज आलम, राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश यादव, विजय सिंह, मनीष कुमार, नीलम देवी सहित कई अन्य प्रतिनिधि एवं पंडा समाज के लोग मौजूद थे। वार्ड पार्षद हैं जो भी लोग हैं, साथ ही साथ स्थानीय जो भी बहुत जन उनके साथ बैठक की और विभिन्न चीजों पर चर्चाएं उनके द्वारा जो भी इनपुट दिए गए हैं उसको हम लोग कंसिडर करेंगे और इससे हम लोग को भी मेले को शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक आयोजन कराने की मदद मिलेगी। मुख्य रूप से रूट को लेके लोगों में एक अभियंत्रण है और हम लोग उन पर लगातार काम कर रहे हैं, साथ ही साथ व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो कुछ लोगों के द्वारा सुझाव दिए गए हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे और इसके अलावा कांवरियों को और क्या विशेष व्यवस्थाएं करवाई जाएंगी उसको भी लोगों ने अपने अपने पहुंचा रखे हैं उसको भी हम लोग देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश। सर, ठाकुर रोड की जो है मुख्य रोड जो बापकी नाम जाती है वो जर्जर स्थिति में, हम लोग को भी जानकारी में आरईओ डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया कि 15 तारीख से पहले तक उसको मोटरेबल कर दें और डीएम सर के माध्यम से उनको दिशा निर्देश भी निर्गत कर दें। एनएचटी में इन लोगों से डिटेल वर्क प्रोग्राम मांगा गया है, चूंकि अब बीक्यूसी करने का तो समय नहीं है लेकिन उसके द्वारा डीएलसी किया जाएगा और जो जहाँ भी स्लैंग्स है जहाँ भी हाफ रोड है उसको भी फिल करके हम लोग मोटरेबल करके रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की एक्सीडेंट होने की भी संभावना ना हो। सर, पिछले बार 2 वर्ष का मेला था, इस बार एक वर्ष का है, भीड़ बहुत ज्यादा होगी, अदरस की घटना को देखते हुए इस बार क्या कुछ बदलाव जिला प्रशासन करने का? अच्छा आपने पूछा, हम लोग एंट्री और एग्जिट सेपरेट रख रहे हैं इस बार क्योंकि हाथरस की घटना को ध्यान में रखते हुए। आप लोगों को पता है कि एक पर्याप्त संख्या जो कि लगभग लाखों की संख्या हो जाती है प्रत्येक दिन लोगों का आना जाना होता है और चूंकि रास्ता जो है एक ही रास्ता है तो हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं कि एक अलग एंट्री और एक अलग एग्जिट, उससे कांवरियों को भी सहूलियत मिलेगी और स्थानीय लोगों का इसमें विशेष सहयोग की आवश्यकता होगी और प्रशासनिक तौर पर जो इसके लिए आवश्यक तैयारियां करनी होगी। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संवेद के तत्वाधान में गोकुलपुर एक चारी में सिद्धू कानू प्रेरणा केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्र की शुरुआत मदारगंज पंचायत के मुखिया प्रभुदयाल सा और केंद्र की बच्चियों ने संयुक्त रूप से रिबन काट कर किया। इस अवसर पर एक सभा का भी आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए संवेद के निदेशक विक्रम ने कहा कि यह प्रेरणा केंद्र सांस्कृतिक गतिविधियों और शिक्षण प्रशिक्षण का केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक गतिविधियां अभिरुचि एवं सर्वांगीण विकास में सहायक होती है और यह अभिव्यक्ति और विकास के अवसरों को व्यापकता प्रदान करती है। वहीं मुखिया प्रभुदयाल शाह ने कहा कि बिहार के स्कूलों में 100% बच्चे नामांकित तो हैं परंतु स्कूल में बच्चों का ठहराव और नियमितता एक चुनौती बनी हुई है। सुदूरवर्ती इलाकों में यह चुनौती और भी गंभीर है, खासकर लड़कियों पर घरेलू जिम्मेदारी का दोहरा बोझ होता है जो उन्हें खेलने, पढ़ने और बढ़ने से रोकता है। जबकि ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल के प्राचार्य अजीत कुमार ने कहा कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने में इस अभियान में समाज के सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। इस अवसर पर संवेद के प्रशिक्षक अविनाश तिवारी, संतोष कुमार, राहुल कुमार के अलावा महिला समूह की मीना मारंडी, किशोरी समूह की मानवी ज्योति लाडली मौसमी सहित कई लोग उपस्थित थे।